अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या करें, जिसको बहुत खूब खून बह रहा था, हमें अपने उसके पास जाना है। कैसे पहुंचे हम, कैसे जाएं बाहर, कैसे निकले यहाँ से? अब भगवान श्री राम तीर चलाकर रावण का दहन करेंगे। रावण को जलाएंगे? क्या क्या करें हम? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, अब सिर्फ आप ही हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मदद कीजिए हमारी, बाहर निकालिए हमें यहाँ से। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। धन्यवाद राम जी, आपने हमें सही राह दिखाई। जय श्री ये जूते तो जीत के। इसका मतलब जो आदमी घायल पड़ा था वो जीत था। हे भोलेनाथ, तेरी बड़ी हत्या की कैसे होगी? जीत को फोन लगाते। तो ये अपना फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं जीत कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, अब क्या करें हम? दुर्गा माता की जय, मैया की जय, जय राम वाली की जय, जय दुर्गा मैया की जय, ओ दुर्गा मैया की जय, जय राम वाली की जय, जय राम वाली मैया की जय, जयकारा साचे दरबार की जय, जयकारा शेरा वाली मैया की जय। धन्यवाद माता जी, अब इस दिन जीत को अस्पताल ले जा सकते हैं। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद।
अचानक वो तो नहीं किया, नहीं। जीत, जीत, जीत उठो, आंखें खोलो अपनी। सांसें तो चल रही है, शायद बेहोश होगा। हे महादेव, हमें जल्द से जल्द जीत को अस्पताल पहुंचाना होगा। वो औरत जीत को अपना पति काहे बुला रही है? हे भोलेनाथ, जरूरत पड़ने पर उसने अपनी रक्षा की थी। कुछ भी हो जाए भोलेनाथ, उसकी रक्षा कीजिएगा। वो ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो मैं रावण के अंदर बंद करके आया था, इसे तो अभी तक जल के मर जाना चाहिए था। अब नहीं मरी तो क्या हुआ, अभी मार देते हैं इसे। इस बार तीर सीधा इसके माथे के आर पार हो जाएगा। ए! अरे हट सामने से, तू इसे ही मारेगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे सोचने की? अरे चल नीचे। गोपाला खांगे, चलो। यमराज भी लेने आए ना, अब तुमसे कह दो कि हम अपनी जीत को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हमें जीत के साथ रहना है, हमें साथ रहना है जीत के। हमारे जीत को कुछ नहीं होना चाहिए। हे माता रानी, हमें कोई रास्ता दिखाइए, अब सिर्फ आपका ही सहारा है। हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए माता रानी, हमारा सुहाग आपके हाथों में है, अभी सिर्फ आपका ही सहारा है। जिसको कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी मदद करिए माता रानी, हमें कोई रास्ता दिखाइए। फोन ही नहीं उठा रहा। कृष्णा भी अपने कमरे में नहीं है, तू का फोन भी पहुंच के बाहर बता रहा था। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? सुबह मंदिर में जीत को गोली लगते लगते बची माँ, उसका तो घाव भी अभी तक ताजा है।
कहाँ चला गया हमारा बच्चा? घबराओ मत तुम, हम अभिमन्यु को कॉल करके अभी पूछते हैं। हाँ, लगाइए फोन। मामा जी क्यों फोन कर रहे हैं? उठा जल्दी वरना इनको शक हो जाएगा कि हम फोन ही नहीं उठा रहे। उठा फोन जल्दी। हेलो, हाँ मामा जी। हाँ अभिमन्यु बेटा, हम ये पूछ रहे थे कि कृष्णा और जीत की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। हमें लगता है कि शायद जीत दशहरा मैदान की तरफ गया था और कृष्णा भी शायद उसी के पीछे गई थी। तुम्हें कुछ मालूम है कहाँ है वो? अब पहले तुम ये बताओ तुम कहाँ हो? मामा जी मैं भी यहाँ दशहरे के मैदान में ही हूँ, लेकिन कृष्णा जीत तो कहीं नहीं दिख रहे मुझे। कृष्णा और जीत वहाँ भी नहीं है? कहाँ चले गए तुम? हे भगवान, हमारे बच्चों की रक्षा करना। हे माता रानी, इस समय जिसका अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है, मगर ये कमजोर दिल हमारा साथ ही नहीं दे रहा। अब सिर्फ आपका ही सहारा है, हमारी मदद कीजिए माता रानी। अपने हाहा पे चल रहा है। बात बात कर रहा है। ये आपका एक चमत्कार है माता रानी। धन्यवाद। और बॉय स्ट्रेचर लेके आओ। मैडम, हमारे पति है ये। दशहरे में ना इन्हें तीर लग गया, बहुत खून बह गया है इनका, प्लीज इन्हें बचा ले। इसे जल्दी से अंदर लेके चलो। मैडम, हमारे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें मैम, उनका बहुत खून बह चुका है। हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप अंदर नहीं आ सकते। हे माता रानी, आप ही के चमत्कार से हम जीत को अस्पताल ला पाए। बस कुछ भी हो जाए, जीत को ठीक कर दीजिए, हमारे सुहाग की रक्षा करिए माता रानी। महादेव, आप तो जानते हैं ना कि हम जीत से कितना प्यार करते हैं। हमारे जीत को कुछ नहीं होना चाहिए महादेव। मुझे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, उसे बचा लीजिए। आपके सामने भीख मांगते हैं अपने सुहाग के प्राणों की। हमारे जीत की रक्षा कीजिए महादेव। अगर आप चाहते हैं ना तो आप हमारी ही जान ले लीजिए, लेकिन प्लीज इसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लीजिए। ये कुछ नहीं होना चाहिए।
की तो बाला कहाँ गई? कहीं नहीं दिख रही। हेलो भैया जी, हमने उस लड़की को देख लिया और जल्दी तो पहुंच लेंगे। आप नदी किनारे पहुंचिए। हम तब तक नहीं आ सकते जब तक हमें हमारी गोपाला नहीं मिलती। आ रहे समझ में? अरे भैया जी, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। वो क्या है ना, पुलिस ने आते समय हमें सबको बंदूक के साथ देख लिया था और किसी भी समय यहाँ पहुंच सकती है हमें पकड़ने के लिए। सरस्वती संभालो खुद को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर, हमारा जीत कैसा है? वो ठीक तो है ना? देखिए, उनका खून बहुत बह चुका है। डॉक्टर साहब, आप हमारा खून ले लीजिए। अरे बेटे को बचा लीजिए। देखिए, बात ब्लड की नहीं है। अरे तो बात क्या है, आप इलाज कीजिए ना जल्दी उसका। वो ब्लड बैंक में है, लेकिन एक इंजेक्शन है जो उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बेहद जरूरी है और वो हमारे पास नहीं है। वो इंजेक्शन मिलता भी बहुत मुश्किल से है। हमारे हिसाब से इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ JKD हॉस्पिटल में मिल सकता है। ये लीजिए नंबर, उस हॉस्पिटल के इंचार्ज से बात कर लीजिए। ये उसका नंबर है। हाँ डॉक्टर साहब, हम इंजेक्शन ले आएंगे हम। और हाँ, ये इंजेक्शन लाने के लिए आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर उससे ज्यादा देर हुई तो केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। ना डॉक्टर साहब, आप जल्दी कीजिए, समय कम है। हम जल्दी लाएंगे। 1 घंटा? वाह भाई वाह, मुबारक हो। जो काम तू नहीं कर पाया वो काम जीत की इस फूटी किस्मत ने कर दिया। अब तो वो गया। बहुत दुख हो रहा है। पर एक लौता भतीजा है हमारा, लेकिन हमें लगता है कि अब उसका चले जाना ही सही है। वो चला गया तो कृष्णा को रवाना हम कर देंगे। खबरदार, ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में ना सोचना भी मत। जीत को ना कुछ नहीं होगा। दिल से हम भी यही चाहते हैं। ये बोलेगा, हमें जल्द से जल्द जीत के लिए दवा लाना होगा। अब बस आपका ही सहारा है। महादेव, हमारे बच्चे की रक्षा करना। ये बात से हम इनकार नहीं कर रहे कि वो लड़का बहुत अकड़ू है। पर इतना भी नहीं, आप उसे अपने पास ही बुला लो। पता नहीं क्यों बाबा, उससे ना एक जन्मों पुराना नाता लगता है। वैसे तो उसे जाने हुए सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं। एक रिश्ता सा महसूस होता है। जब से हमारी याददाश्त गई है ना, तब से उसने हमें संभाला है। वही है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, वही है जिसे हम जानते हैं भोलेनाथ। अगर उसे कुछ हो गया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे भोलेनाथ। प्लीज प्लीज उसकी रक्षा कीजिए, प्लीज उसकी रक्षा कीजिए, मदद कीजिए।
भोलेनाथ मदद कीजिए। मदद कीजिए हमारी भोलेनाथ। अरे भाई, तुम्हारा अस्पताल तो सरकारी अस्पताल से भी गया गुजरा है। क्या चाहते क्या हो? मरीज खुद चल कर आए और तुम्हारे उस ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर जाकर लेट जाए? अरे यहाँ स्ट्रेचर वेचर नाम की कोई चीज है भी या नहीं? सॉरी मैडम, मुझे लगा कि कोई मामूली बीमारी है। क्या कहा आपने? मामूली बीमारी कह रहे हैं? एमएलए है हम, गिरिजा देवी नाम है हमारा। ऐसे ही पेट दर्द हो जाएगा क्या? विजय, इनका ट्रांसफर निकल गई है। सॉरी मैडम, मुझे नहीं पता था। स्ट्रेचर लाओ। गिरिजा देवी, एमएलए, अगर इनके फोन से अस्पताल में कॉल गया तो बड़े से बड़ा डॉक्टर इंजेक्शन के लिए ना नहीं कह पाएगा। ए लड़की, साइड हटो, साइड हट। कहाँ जा रही हो? सुनिए साहब, देखिए मैडम जी से मिलना बहुत जरूरी है। हमारे पति पति की जान खतरे में है, प्लीज हमें उनसे मिलने दीजिए। सब ऐसा ही कहते हैं। मैडम अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं है, आप जाइए यहाँ से। अब समझने की कोशिश तो कीजिए, हमें मिलना है। अरे आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? जाइए यहाँ से। लगता है सीधी उंगली से घीना निकलेगी। सर, इनका बहुत खून बह चुका है, क्या करें? इंजेक्शन के अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बिना इंजेक्शन के बचाने इन्हें पॉसिबल नहीं, और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इंजेक्शन का अरेंजमेंट हो पाएगा। अगर तुम्हारे अंदर हमारी गोपाला का दिल नहीं धड़क रहा होता ना, तो मां कसम ऐसी गुस्ताखी की तुम्हें बहुत बड़ी सजा देते। अब जब तक तुम्हारी ये सांसें चलेगी, तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। थोड़ा सा पी लो, कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कौन सा रास्ता निकल आएगा? हम सब यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि रास्ता निकल आएगा। रास्ता क्या खुद ब खुद हमारे पास चल के आएगा? क्यों हमें आप चूची दिलासा दे रहे हैं? सब सब कह दीजिए ना, क्यों रजीत हम नहीं मर सकता? हम कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं करते सरस्वती बहू, ऐसा नहीं सोचती। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भी भगवान हमारे लिए एक दरवाजा जरूर खोल के रखते हैं। तभी तो काल कोठरी में जन्म लेने के बाद भी भगवान कृष्ण सात समुंदर पार कर गोकुल पहुंच गए थे, जिसके कंस ने कल्पना भी नहीं की थी। चमत्कार होते हैं, तू बस भगवान पर भरोसा रख, हमारे जीत को कुछ नहीं होगा। हाँ सरस्वती, दुर्गा ठीक कह रही है, शांत हो जा, हमारे जीत को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे हम उसे। हे भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। Yeah.
ए लड़की रुको, अगली बार दरवाजा खटखटा कर अंदर आना, मैडम का सिक्योरिटी रिस्क है, समझे? हेलो, जीआरडी अस्पताल से बात हो रही है। हमारा नाम गिरिजा देवी है, नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ, अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। हमारे रिश्तेदार को एक इंजेक्शन की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ आपके अस्पताल में मिलता है। तो बताइए कब तक वो इंजेक्शन भिजवा रही है सिटी अस्पताल में? कम से कम 2-3 घंटा लगेगा मैडम। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? हमें वो इंजेक्शन 25 मिनट के अंदर चाहिए। बात समझने की कोशिश कीजिए मैडम, यहाँ कोई नहीं है इंजेक्शन पहुंचाने वाला। सुनो, हम अपने एक असिस्टेंट को भेज रहे हैं, उसका नाम गोपाला है, उसके हाथ में वो इंजेक्शन दे देना, समझे? यहाँ से अस्पताल की दूरी 3 किलोमीटर है और आने जाने में 2 सिग्नल है, कुल मिलाकर 4 सिग्नल। हे भोलेनाथ, हम 25 मिनट में कैसे पहुंचेंगे? मदद कीजिए अमरी। मुझे पहले ही शक था तुम पर, मैडम का फोन तुमने ही चुराया है। हमें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे पति की जान ना खतरे में है। हमें बस मैडम जी के फोन से ना एक काली करना था और कुछ नहीं। अपने पति का छोड़ो, अब अपने बारे में सोचो क्या होगा तुम्हारा। चलो थाने, 2 लॉकअप में रहोगे तो होश ठिकाने आ जाएगा। चलो छोड़ो उसे। इस लड़की की आवाज में सच्चाई है और खुद एक नेता होने के नाते सच और झूठ का फर्क हम समझते हैं। तुम्हारे अपने पति के प्रति श्रद्धा देखकर हम तो यही दुआ करेंगे कि तुम्हारी जैसी पत्नी हर एक हस्बैंड को नसीब हो। धन्यवाद मैडम जी, बस एक एक और एहसान कर देंगे। वो जो लाल बत्ती वाली गाड़ी आपके पास है ना, वो हमें 15 मिनट के लिए दे दीजिए। हमारे पति के पास वो इंजेक्शन लेके पहुंचना बहुत जरूरी है मैडम जी, प्लीज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा मैडम जी, प्लीज। क्या बात है, तुम एक सिर्फ पत्नी अच्छी नहीं हो बल्कि एक समझदार औरत भी हो। ले जाओ हमारी गाड़ी। विजय, धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। आज भले ही जीत हमारे साथ ना हो, हमसे प्यार ना करता, पर कभी वो हमारे साथ था, हमसे प्यार करता था। और तब ना एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार उसने हमारी जान बचाई है। आज तो त्योहार है ना, दशहरा है, तो मेरा शुभ दिन कुछ अशुभ मत होने देना प्लीज भगवान जी। हमें जल्दी से ये दवाई लेकर अस्पताल पहुंचना होगा, जीत की जान बचाने के लिए। जीत को हम कुछ नहीं होने देंगे। भगवान, जीत भाई को जल्दी से ठीक कर देना। हमने कृष्णा अब तक वापस नहीं आई, बहुत ही वक्त हो गया। यहाँ एक एक पल पहाड़ सा लग रहा है। कहाँ रह गई?
बेटा जल्दी आ, वक्त बहुत कम है। ये मालिक कुछ कीजिए। इंजेक्शन तो ले आए, अब केवल 30 सेकंड बचे। हम अब कितने भी कोशिश कर ले पर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्या करें महादेव? बचे हमें तीर धनुष दो के धन्यवाद। सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।